मसलिया प्रखंड क्षेत्र के तीन पंचायतों के सैकड़ों रैतों ने शिकारपुर गोबरा मोड़ सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण काम को बंद कर दिया। रैतों ने सर्वप्रथम पांच मौजे के ग्राम प्रधानों तीनों पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नगाड़ा बजाकर निर्माण कार्य को बंद किया। रैतों का कहना था कि गोबरा मोड़ से शिकारपुर सड़क चौड़ीकरण का काम विगत एक महीने से चल रहा है, जिसमें सड़क के किनारे कई रैतों की जमीन व जमाबंदी में लगाए पेड़ को काटे जा रहे हैं। मोटे मोटे महुआ पेड़ को काटकर रातों रात गायब किया जा रहा है। खेती करने वाली जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर संवेदक अधिकारी बिना किसी सूचना के ही काम करते जा रहे हैं। रैतों का कहना है कि जिस प्रकार से NH गोविंदपुर साहिबगंज पथ निर्माण कार्य के पूर्व नापी कर सूचना दी गई थी और उन रैतों के जमीन के बदले उचित मुआवजा मिला था, ठीक उसी तरह मुआवजा मिले। वहीं यथासंभव पेड़ों को काटने से बचाए, बेवजह पेड़ों पर कुल्हाड़ी न चलाए। मेरा कहना है कि यहाँ का जो जमीन रोड पे दब रहा है, उसका मुआवजा पब्लिक को मिलना चाहिए जल्द से। प्लस रोड के किनारे जो पेड़ कटे गए हैं, यहाँ के लोग पेड़ पौधे से ही आश्रित है। और ऐसा भी है, एक दो गाछ रोड के किनारे काट कर गायब भी हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये काम जो कंट्रेक्टर द्वारा हो रहा है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, इसमें ग्रामीणों को कुछ पता नहीं है कि किस रैयत का कितना जमीन है, रोड का अलाइनमेंट क्या है। गांव वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना जमीन जा रहा है, हमको कितना मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार को चाहिए कि पहले उसका नोटिफिकेशन कर दे, रैयतों को नोटिस दे दे कि आपका इतना जमीन जा रहा है। यही तो बहुत दुख की बात है कि हम लोग तो चाहते थे कि यहाँ अच्छा रोड बने और बन भी रहा है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। यहाँ जितने भी ग्रामीण है, इन लोगों को पता नहीं, ग्राम प्रधान को भी अवगत नहीं कराया गया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी अवगत नहीं कराया गया है जो मुखिया है, और ये लोग अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जल, जंगल और जमीन, ये मुख्य चीज़ हम लोगों का आधार है जीने का, और इसी चीज़ को लेकर के जो है इन लोगों ने इतना बड़ा गलत किया है। बिना मालिक को बताए, जिसका भी पेड़ है उसको बिना सूचना किए, बिना बताए, बहुत सारा यहाँ लगभग सैकड़ों पेड़ को जो है लोगों ने गिरा दिया है। और जिस तरीके से सुनने में आया है, बगल में जो है थोड़ा सा आगे में एक महुआ का बहुत बड़ा पेड़ भी था, और उस पेड़ को जो है गिरा कर और रातों रात गायब भी हो गया। अब इस पर किसको दोष दिया जा सकता है? निश्चित रूप से उन्हीं पर सिरे जाता है, क्योंकि इस तरीके से गैर कानूनी ढंग से जो है इन लोगों का काम करना, ये हम लोगों का सुहा नहीं जाता है। और जितना जल्दी हो सके, हम तो यही कहेंगे कि